YouTube चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन का सेकंड पार्ट। देखिए, मेरे अपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे आप, जो लाइट का मेरा 10th क्लास लाइट चैप्टर का जो सेशन चल रहा है उसमें सबसे पहले आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा, फिर रिफ्रैक्शन पढ़ाया, और वो रिफ्रैक्शन था रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। इससे पहले कि मैं आपको रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस पर बात करूं, ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल लाया है, वो सिर्फ इसलिए कि इस टॉपिक पर मैं आपको लेंस पढ़ाऊंगा। लेंस फिजिक्स के ऑप्टिक्स के पोर्शन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप आगे जब 12th क्लास पढ़ोगे तो 12th क्लास में आप इसका बहुत डिटेल पढ़ोगे, वहाँ आप टेलीस्कोप पढ़ोगे, माइक्रोस्कोप पढ़ोगे, और टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप का जो कंस्ट्रक्शन होता है, उसका जो मैकेनिज्म है, उसके जो रे डायग्राम है, वो कम्प्लीटली 10th क्लास के लाइट के बेसिक फंडामेंटल पर बेस्ड है। इसलिए मैं आप सबको पढ़ाने से पहले ये अलर्ट करना चाहता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं 12th के स्टूडेंट्स को जब पढ़ाता हूँ तो जैसे मैं ऑप्टिक्स में पहुँचता हूँ तो उनसे यही इंक्वायरी ज़रूर करता हूँ कि क्या आप लोग से रे डायग्राम बनता है। तो मैक्सिमम केस में मैं पाता हूँ कि रे डायग्राम बनाने की अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं। तो आज का सेशन मैं सिर्फ और सिर्फ आपको रे डायग्राम बनाना सिखाऊंगा, उसके टेक्निक बताऊंगा कि रे डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो टोटल हमारा आज का सेशन रे डायग्राम बनाने पर बेस्ड है, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। नाउ स्टार्ट लाइट थर्ड पार्ट। ये लाइट का हमारा थर्ड सेशन का पार्ट है और इसमें हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस देखिए, हमने इसके पहले पढ़ा रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। स्फेरिकल सरफेस इन द सेंस, जब लाइट रे हम इंसिडेंट करेंगे तो जिस सरफेस पर हम इंसिडेंट करेंगे, लाइक दिस, सपोज ये कोई ग्लास पीस है ये, और इसका जो ये सरफेस है वो स्फेरिकल है, इस पर लाइट इंसिडेंट करेंगे, ये हम पढ़ेंगे, क्लियर। तो ये हमको बेसिकली जो स्फेरिकल सरफेस है उससे रिफ्रैक्शन हम पढ़ते हैं लेंस के लिए, मतलब इस टॉपिक में हमको पढ़ना है लेंस, बेसिकली हमको इसमें पढ़ना है लेंस पढ़ना है। तो लेंस टू टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेंस का डेफिनेशन बता दूं। लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम हैविंग टू सरफेसेस, वन सरफेस मस्ट बी स्फेरिकल एंड सेकंड सरफेस आइदर स्फेरिकल आर प्लेन, क्लियर। लेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो दो सरफेस से मिलकर बनता है, जिसका एक सरफेस स्फेरिकल होना जरूरी है, और सेकंड जो सरफेस है वो स्फेरिकल भी हो सकता है और प्लेन भी हो सकता है। तो लेंस के लिए मैंने टू स्पेशल कंडीशन बताया। पहला आप ध्यान रखेंगे, फर्स्ट, टू सरफेसेस, टू सरफेस होंगे। सेकंड, वन मस्ट बी स्फेरिकल। ये दो कंडीशन आप ध्यान रखेंगे। लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम हैविंग टू सरफेसेस, वन सरफेस मस्ट बी स्फेरिकल। देन वी हैव बेसिकली टू टाइप्स ऑफ लेंस। हमारे पास लेंस के तो वैसे सिक्स टाइप्स होते हैं, क्योंकि जो टू टाइप्स बता रहे हैं उसके और टाइप्स होते हैं, वो आप हायर क्लास में पढ़ोगे। यहाँ पर हम जो मेन इसके टू टाइप्स हैं उसकी स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ द लेंस, इसके टाइप्स में आपको इसके पूरे बेसिक फंडामेंटल को पढ़ा दूं। फर्स्ट इज कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस किस तरह से होता है देखिए, ये एक लाइन हमने ड्रा किया जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, और यहां पर हम एक लेंस बनाते हैं इस तरह से, ये है कॉन्वेक्स लेंस। मतलब कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, इसके दोनों सरफेस
देखिए यहाँ पर टू सरफेस है, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है। यहाँ पर दोनों सरफेस जब ऊपर की ओर उठे हुए रहते हैं, जैसे मैंने फिगर में दिखाया है, तो ये क्या कहलाता है? कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है। क्लियर? एंड सेकंड इज कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का फिगर किस तरह से होता है? देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करेंगे अपन और इस पे रे डायग्राम बनाने का प्रैक्टिस आप करेंगे। देखिए ध्यान से मैं कैसे बना रहा हूँ डायग्राम। ये कॉनकेव सरफेस में, लेंस में दोनों इसके सरफेस होते हैं वो इस तरह से अंदर की ओर दबे हुए होते हैं। क्लियर? ये है कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस, वो कॉनकेव लेंस। अब इसमें जो पार्ट्स, इसके जो नाम होते हैं, ये मैं आपको बताते जा रहा हूँ एक एक करके। फर्स्ट ये सेंटर में जो पॉइंट होता है जिसके हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये ओ को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। जैसे मिरर में पोल होता है वैसे यहाँ पर क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर होता है। यहाँ पर ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा ओ। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज, इस साइड में एक फोकस पॉइंट होगा जिसको हम कहेंगे F1, और इधर एक और फोकस पॉइंट होगा जिसको कहेंगे F2। दैट मीन्स इसके टू फोकस होते हैं, F1 एंड F2। दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, दिस इज सेकंड प्रिंसिपल फोकस। इसके भी टू फोकस पॉइंट होंगे, ये एक F1 और F2। क्लियर? ये कहलाता है इसका फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस। अब इस फोकस से जस्ट डबल डिस्टेंस पर, इसके डबल डिस्टेंस पर एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम कहते हैं 2F1, और इधर होगा 2F2, मतलब उसका जस्ट डबल। इधर भी ये 2F1, ये 2F1 का पॉइंट है, और इधर भी हो जाएगा 2F2। ये एक एक पॉइंट को आप इसका ध्यान से समझते जाइए। क्लियर? ये जो प्रिंस, ये है दोनों फोकस से होकर जाने वाला जो स्ट्रेट लाइन है। ए लाइन विच इज पासेस थ्रू फोकस F1 F2 एंड ऑप्टिकल सेंटर इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। यहाँ पर ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अब हम यहाँ पर आपको बताते हैं इसके बिहेवियर, इसके नेचर। तो ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? जो रेज हैं वो रेज जब उस पर इंसिडेंट होते हैं तो उनको कलेक्ट करता है, कन्वर्ज करता है। इसलिए कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जेंट लेंस के नाम से भी जाना जाता है। और कॉनकेव लेंस क्या करता है? रेस को फैलाता है, इस तरह से डाइवर्स करता है, इसलिए इसको डाइवर्जेंट लेंस भी कहते हैं, डाइवर्जेंट लेंस भी कहते हैं। क्लियर? अभी मैं समझाऊंगा कैसे करता है। अब आपको मैं बस समझा रहा हूं कि इसके इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या हैं। मैंने इमेज आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा दिया है, कहाँ पर? रिफ्लेक्शन में। यदि जिन लोगों ने मेरे इसके पहले के दो वीडियो नहीं देखे हैं और सीधा ये थर्ड पार्ट को देख रहे हैं, उनको मेरा सजेशन है कि अभी इमीडिएट आप अपना वीडियो क्लोज करिए और कहाँ चले जाइए? फर्स्ट पार्ट में चले जाइए, क्योंकि थ्री पार्ट का मैंने जो वीडियो बनाया है उसके पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया है। तो वहाँ पर मैं इमेज का डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया हूँ आपको, इमेज क्या है, इमेज के कितने टाइप्स होते हैं, कब रियल इमेज बनता है, कब वर्चुअल इमेज बनता है, रियल इमेज के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वर्चुअल इमेज के। तो मैं अभी उस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट आपसे आगे बात करूँगा। तो देखिए इमेज फॉर्मेशन के लिए जो रूल्स है, किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए, वो क्या है आप ध्यान से समझिए। फर्स्ट रूल ये है इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट किया तो रिफ्रैक्शन के बाद ये कहाँ से होकर जाता है? फोकस से होकर जाता है, सेकंड फोकस से। तो फर्स्ट रूल इज, दोनों को मैं कंपेरेटिवली बता रहा हूँ, ध्यान से समझते जाएंगे। इन कॉन्वेक्स लेंस इफ लाइट रे कमिंग फ्रॉम पैरेलल विथ प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पासेस थ्रू सेकेंड फोकस ऑफ द लेंस। क्लियर? दिस इज द फर्स्ट रूल।
यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल इंसिडेंट होगा, ये फर्स्ट रूल मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो कहाँ होगा, ये डाइवर्जेंट लेंस है, ये क्या करता है, रेस को फैलाता है। देखिए रेस को क्या कर रहा है, कन्वर्स कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, ये फैलाएगा। तो ये क्या होता है, इसको आप डॉटेड लाइन ड्रा कर दीजिए, यहाँ से इस तरह से रेस को डाइवर्स करेगा। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर कर रहा हूँ, यदि आपका ये कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर होगा तभी आप इस रे डायग्राम ढंग से बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं। और इन फ्यूचर आपको हायर क्लास में यही कॉन्सेप्ट आपको काम आना है। तो आप मेरा ये लेक्चर बहुत ही ध्यान से समझिए, और इसमें कुछ नहीं, सिर्फ मैं रे डायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ, उसके बाद आप घर में प्रैक्टिस करिए उसकी। तो कॉनकेव लेंस के लिए मैं फर्स्ट रूल क्या बताया, कि इफ ए रे कमिंग विथ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी एपियर कमिंग फ्रॉम फोकस, एपियर होगा, दिखेगा, वो आएगा नहीं वहाँ से, आपको फोकस से आता हुआ दिखेगा, इसलिए मैंने इसको क्या किया है, डॉटेड लाइन से किया है। तो ये क्या होता है, रिफ्रैक्शन के बाद इधर चला गया, फैल गया, वो डाइवर्जेंट लेंस है, लेकिन उधर से आप देखोगे तो कहाँ से आते हुए दिखेगा वो, आपको ऐसा महसूस होगा कहाँ से, कि वो कहाँ से आ रहा है, फर्स्ट फोकस से आ रहा है। क्लियर, दिस इज फर्स्ट रूल। एंड सेकंड, ये देखिए इसको एग्जैक्ट ऑप्टिकल सेंटर से जाना चाहिए, आप लोग स्केल से बनाओगे तो परफेक्ट बनेगा, मैं अंदाज से बनाता हूँ। देखिए ये सेकंड रूल, जो रे ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगा वो सीधा निकल जाएगा, मतलब वो बेंड नहीं होगा। क्लियर, रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ पाथ ऑफ द लाइट, बट इफ रे इज पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, क्लियर, देन देयर विल बी नो रिफ्लेक्शन, यहाँ कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, वो सीधी निकल जाती है। वैसे यहाँ पर भी ये सेकंड रूल, तो सेकंड रूल में क्या है, जो ऑप्टिकल सेंटर्स होकर जाएगी वो कहाँ होगी, सीधी निकल जाएगी। थर्ड रूल इसके लिए देखिए, थर्ड रूल, यदि हम रे को क्या करें, फोकस से पार करें, फर्स्ट फोकस से, सपोज हमने इंसिडेंट किया कहाँ से, फोकस से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पैरेलल विथ प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस का क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ये जो पैरेलल आएगा फोकस से जाएगा, जो सेंटर से जाएगा सीधा निकल जाएगा, जो फोकस से होकर जाएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो फोकस के तरफ आएगा, ये हमने इंसिडेंट किया और इसका डायरेक्शन एक्चुअल में किधर है, फोकस के तरफ है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ जाएगा। क्लियर, मतलब इसका इनिशियल डायरेक्शन किधर है, टूवर्ड्स F2, इसका जो इनिशियल डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स F2 है, ये आप डायरेक्शन को ध्यान देंगे, टूवर्ड्स F2, तो जो F2 की ओर आता हुआ लगेगा वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। यहाँ पर थर्ड को देखिए, जो फोकस से आया वो प्रिंसिपल एक्सिस से के पैरेलल होके जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो पैरेलल नहीं आया वो क्या आया, F2 की तरफ आया। क्लियर, ये थर्ड रूल है। इस तरह से ये तीनों रूल आपको याद रहना चाहिए, तभी आप इसके फिगर बना पाएंगे। एंड साइन कन्वेंशन, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको साइन कन्वेंशन समझाया था, यहाँ पर एक बार रिपीट करता हूँ मैं आपको, टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, दैट मीन्स ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, और इंसिडेंट रे के अपोजिट में जो साइन होगा वो निगेटिव होगा। अपवर्ड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस इज निगेटिव, यहाँ पर भी यही रूल अप्लाई होगा, दिस इज साइन कन्वेंशन। ये साइन कन्वेंशन का हमको जरूरत क्यों पड़ता है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स बनाते हैं और यू वी एफ के वैल्यू जब अपन पुटअप करते हैं तो साइन कन्वेंशन का जरूरत होता है। क्लियर, तो ये है कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस का कंप्लीट इंट्रोडक्शन। अब हम वन बाय वन, सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस का, उसके बाद कॉनकेव लेंस के इमेज फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। क्लियर, और सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस। जैसे मिरर में हमने कॉन्वेक्स के लिए सिक्स पोजिशन पढ़ा था, वैसे यहाँ पर कॉनकेव के लिए सिक्स पोजिशन पड़ा था, यहाँ पर कॉन्वेक्स के लिए होता है, जस्ट अपोजिट उसका।
वहाँ सिक्स पोजीशन मिरर में सिक्स पोजीशन किसके लिए है? कॉनकेव मिरर के लिए है। यहाँ पर सिक्स पोजीशन किसके लिए है? कॉन्वेक्स लेंस के लिए है। तो इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से इमेज कैसे बनता है? तो यहाँ पर मैं आपको एक चार्ट बता रहा हूँ। सबसे पहले ये चार्ट आपको लर्न करना है। देखिए, आप बुक से जब स्टडी करते हैं तो बुक में राइटर्स क्या करते हैं, पहले पूरे रे डायग्राम समझा देते हैं, फिर लास्ट में इसका कंक्लूजन में चार्ट बनाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर उल्टा पढ़ा रहे हैं आपको, उसका फ़ायदा आपको क्या है बाद में समझ में आएगा। सबसे पहले हमको चार्ट प्रिपेयर करना है। चार्ट लर्न करने के बाद हमको अपने आप रे डायग्राम बनाना आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके चार्ट प्रिपेयर करते हैं। देखिए, इसके लिए मैं यहाँ पर एक चार्ज कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ और फिर अपने बोर्ड के राइट हैंड साइड में इसके इमेज फॉर्मेशन आपको वन बाय वन समझाऊंगा। ठीक है, तो ये है ये सबसे पहले नंबर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, इट्स साइज एंड इट्स नेचर। ये हमने एक चार्ट बनाया। नंबर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में ओनली वो लिख दिया उसको ओवर ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बनेगा। इसके बाद इसका साइज, इसका साइज क्या होगा और इसका नेचर क्या होगा। तो इसके सिक्स पोजीशन हैं, जिसमें मैं सिक्स को पहले से अलग करके रखता हूँ क्योंकि इसका बिहेवियर सबसे अलग है, इसलिए मैं कभी भी सिक्स को लास्ट में आपको बताऊँगा। ये सिक्स पोजीशन के लिए मैंने अलग से चार्ट बना दिया। फर्स्ट, अब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लाना स्टार्ट करते हैं और इन्फिनिटी से आगे आगे लाते जाते हैं। तो सबसे पहले सपोज ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी में है। क्लियर? इस तरह से सपोज इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट है, अब उसका इमेज कहाँ बनेगा उसको हम याद नहीं करेंगे, एक टेक्निक बता रहा हूँ आपको मैं। दूसरे पोजिशन पर बिटवीन इन्फिनिटी टू 2f, इन्फिनिटी और 2f के बीच में अंदर आते जा रहे, फिगर में बताऊंगा अभी मैं। थर्ड इज 2f, सपोज ऑब्जेक्ट कहाँ है, 2f में है। फोर्थ इज बिटवीन 2f एंड f, एंड फिफ्थ इज f, अब f में है वो। अब आपको इमेज का पोजीशन जानना है तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इसको नीचे से उल्टा लिखना शुरू कर दो। तो सबसे पहले क्या है, सबसे नीचे f है तो ये हो जाएगा f, फिर 2f एंड f, देन 2f, 2f के बाद फिर क्या, इन्फिनिटी एंड 2f और इन्फिनिटी। इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए तो एक बात आपको पता चलेगा कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होता है तो इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस में, और ठीक इसका उल्टा, जब ऑब्जेक्ट फोकस में होता है तो इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनिटी में। लेंस के इस नेचर को कॉन्जुगेट फोकी कहते हैं। कॉन्जुगेट फोकी का मतलब इमेज और पोजीशन, इमेज और ऑब्जेक्ट के पोजीशन को हम इंटरचेंज करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये है। इसके बाद हम देखें इसके साइज। तो सबसे पहले इमेज इसका बनता है पॉइंट साइज का, पॉइंट साइज का बनता है। इसके बाद बनता है स्मॉलर देन, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा, ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है। नेक्स्ट इज इक्वल, इक्वल साइज का 2f में, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज। इसके बाद इनलार्ज, इसके बाद वेरी इनलार्ज, ये हो गया वेरी इनलार्ज। नेचर इसका क्या होता है, ये पूरे के पूरे इमेज क्या होते हैं, रियल होते हैं। तो रियल होगा इसलिए क्या होगा, ये इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड, और सब के सब रियल और इन्वर्टेड होंगे, इसीलिए मैंने इसको एक साथ लिया है। ये चार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लर्न करिए तो पूरा तैयार हो गया। अब सिक्स पोजीशन देखिए, सिक्स पोजीशन में अब ऑब्जेक्ट आ गया बिटवीन एफ एंड ओ, दैट मीन्स बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, देन इट्स इमेज इज
द पोजिशन ऑफ इमेज इज टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट, टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट मतलब जिधर ऑब्जेक्ट होगा उधर ही इमेज बनेगा। बाकी में इमेज कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है तो इमेज राइट साइड में बनेगा, क्लियर। एंड साइज इज इन लार्ज, बड़ा बनेगा और इसका नेचर पूरा बदल जाएगा, अब ये वर्चुअल हो जाएगा और उस लिए क्या हो जाएगा, ये इरेक्ट हो जाएगा, क्लियर। तो ये आपका चार्ट है और यही इसका पूरा सब कुछ है। अब इस चार्ट के बेस पर हम इसके सिक्स पोजीशन के इमेज को आपको वन बाय वन बनाते हैं, बताते हैं, देखते जाइए। सबसे पहले हम देखते हैं इसका फर्स्ट पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन तो बहुत ही आसान है लेकिन फिर भी आपको बता दूं मैं, फर्स्ट पोजीशन इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट कहाँ है अपना, इन्फिनिटी में है। तो किस तरह से इमेज बनेगा देखिए, ये आप प्रिंसिपल एक्सिस बना लोगे पहले। प्रिंसिपल एक्सिस बनाने के बाद आप इस तरह से, आप लेंस को थोड़ा सावधानी से बनाएंगे। लेंस बनाते समय आप ध्यान रखना कि लेंस का जो थिकनेस है, मैं बोर्ड में थोड़ा उल्टा सीधा हो सकता है लेकिन आप लोग उसको प्रॉपर बनाएंगे इस तरह से। और यहाँ पर इन्फिनिटी से जो रेज आएंगे, सपोज ये इंसिडेंट रे हैं, बहुत से रेज इंसिडेंट हो रहे हैं इन्फिनिटी से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो सब के सब क्या होते हैं, फोकस पर कलेक्ट हो जाते हैं ऐसा। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है रूल्स में कि जो रेज इन्फिनिटी से आते हैं वो फोकस पर कलेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसका इमेज बनता है, ये इमेज है और कैसा इमेज बना है, वो पॉइंट इमेज बना है और ये पॉइंट क्या है, फोकस है, क्लियर। तो फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी में हो, इन्फिनिटी से आ रहे हैं रेज, इमेज कहाँ पर बनेगा, फोकस में बनेगा, कैसा बनेगा, पॉइंट बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। तो फर्स्ट तो बहुत ही आसान है। सेकंड इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड टू वेव, बिटवीन इन्फिनिटी एंड टू वेव इसका इमेज हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप एक लेंस ऐसे ही बना लीजिए, ये हमने एक लेंस, अब मैं आपको बस आइडिया दे रहा हूँ बनाने का, बाकी आपको प्रैक्टिस करना, आप घर में प्रैक्टिस अच्छे से करिए। ये हो गया लेंस। अब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और 2f के बीच रखेंगे, हमने ऑब्जेक्ट रख लिया। अभी आप प्रिंसिपल एक्सिस में किसी का नाम मत लिखिए, थोड़ा टेक्निक को, मेरे स्टेप्स को आप पकड़ते जाइए कि मैं कैसे कैसे बना रहा हूँ, ठीक है। अब एक रे तो हमेशा आप क्या करो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कर दो और सेकंड रे को ले जाओ ऑप्टिकल सेंटर से, ये मैं ऑप्टिकल सेंटर से ले गया। अब ये चार्ट आपको याद रहेगा तो आपको पता रहेगा कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इमेज आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट से छोटा बनाना है। तो आप इसके साइज को देखिए, ऐसे छोटा इमेज बना दीजिए ये। अब इमेज बना कैसे है, ये फोकस से होके गया, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से। अब इसके आप नाम को लिखते जाइए, ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसको आप फोकस लिखिए, ये क्या है, इन्फिनिटी और 2f के बीच में है तो यहाँ आप 2f लिख दीजिए, तभी इन्फिनिटी और 2f के बीच में होगा। ये सब आइडिया है आपको, सब पकड़ते जाइए उसको। इसके बाद इमेज कहाँ बनना है, 2f और f के बीच में बनना है, तो ये f है तो 2f इधर होना चाहिए, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 2f लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए, ये ए बी ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश इमेज है। तो कंप्लीट आप इस फिगर को देखिए, ये कंप्लीट इसको फॉलो कर रहा है, इन्फिनिटी और 2f के बीच में है, ये है, वो आपको समझ में आ गया इस तरह से, क्लियर। तो ये एक रे डायग्राम बनाने का एक टेक्निक है, इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो पूरे 6 रे डायग्राम आपको बनाने हैं। मैं फटाफट इसको ड्रा कर आपको बता देता हूँ, बाकी आप उसको समझ रहे होंगे कैसे बनाना है। नाउ थर्ड इज, ये इरेज कर दूँ मैं, या यहाँ स्पेस है मेरे पास, मैं थर्ड को यहाँ बना देता हूँ। थर्ड में क्या है देखिए, 2f ऑब्जेक्ट कहाँ हो, 2f में हो इस तरह से, क्लियर। तो अब उसके लिए क्या होगा, 2f में जब ऑब्जेक्ट होगा, ये लेंस बना लिए, ये आसान है बहुत। 2f में आप ऑब्जेक्ट बना लीजिए, एक प्रिंसिपल एक्सिस से ले जाइए और जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा आप मेजरमेंट करके पहले से इमेज बना दीजिए, ये आप पहले से बना दो, सेम साइज का बनना है क्योंकि। इसके बाद क्या करो, सेकंड रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करो और ये फोकस हो जाएगा इस तरह से। अब क्या क्या, इसके पोजीशन के नाम लिख दो, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, 2f पर है, इमेज भी कहाँ पर बनेगा, 2f पर बनेगा, उतना ही बड़ा बना,
ये फोकस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। क्लियर? इस तरह से बन जाएगा। तो थर्ड नंबर के रेडियाग्राम में आप देख रहे हो इस तरह से बनेगा। नाउ फोर्थ इज बिटवीन 2F एंड F। अब ये मैं इरेज कर रहा हूँ। फोर्थ कंडीशन बिटवीन 2F एंड F। क्लियर? टेक्निक कंप्लीट वैसे ही है। अब आपको प्रैक्टिस हो गया होगा। एक बार फटाफट बता दूं आपको मैं, ये आप ऐसा लेंस बना लो, 2F और F के बीच में आप ऑब्जेक्ट वैसा रख दो, एक फोकस से हो गया, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से लेके, ये तो कंपलसरी लेके जाना है आपको। अब सेकंड को क्या करो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहाँ तक बस लेके जाओ और यहाँ पर देख लो कि आपको इमेज क्या है, इनलार्ज, बड़ा बनाना है। तो इससे बड़ा इमेज आप बना दो इस लाइन में। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ गया होगा कि मैं करते कैसे जा रहा हूँ। पहले इमेज को बना देता हूँ, सेकंड रे को फिर आप यहाँ से लेके जाइए ऐसा। अब इसके नाम लिखिए पूरे इसमें, ठीक है? ये ए बी ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश इमेज उससे बड़ा है, देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर है, 2F और बिटवीन F है, तो यहाँ पर लिख दीजिए F, यहाँ पर लिख दीजिए 2F, दोनों के बीच में हो गया। इमेज कहाँ बनना है आपको याद रहेगा, यहाँ से इन्फिनिटी और 2F के बीच में बनना है, तो यहाँ आप 2F लिख दीजिए, उधर इन्फिनिटी हो जाएगा और ये कहाँ से होके गया, फोकस से, ये फोकस हो जाएगा। तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले से प्रिंसिपल एक्सिस में नाम लिख देते हैं फिर वहीं से लेके जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। आप स्टेप को वॉच करते जाइए कि किस तरह से मैं बता रहा हूँ। क्लियर? ये हो गया फोर्थ पोजिशन। एंड फिफ्थ पोजिशन बहुत ही आसान है, F पर, ठीक है? ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, F, एट F, फर्स्ट और ये फिफ्थ बहुत आसान है। अब ऑब्जेक्ट को आपने F में ही कर दिया ऐसा, एक रे आप कहाँ से लेके चले गए, ऑप्टिकल सेंटर से चले गए, यहाँ पर है सेकंड, ये आप अपने को पता है आप इमेज कहाँ बनना है, इन्फिनिटी में बनना है। देखिए इमेज इन्फिनिटी में बनना है और वेरी इनलार्ज। तो यहाँ पर ए बी तो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑप्टिकल सेंटर से गए, फोकस से गए। अब ये दोनों रेस को देखिए, ये आगे जाके कहाँ पर मिलेंगे, इन्फिनिटी मिलेंगे। अब इन्फिनिटी मिलेंगे तो इन्फिनिटी में इमेज बनेगा, इन्फिनिटी तो अननोन पॉइंट होता है। इस तरह से ये 5 पोजिशन। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका 6 पोजिशन, ये पूरे 6 पोजीशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये आपको 12th क्लास में बहुत ज़्यादा काम आना है। वो सिंपल माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट मैं अभी से आपको बता दूं, इसे उसके आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। बोर्ड एग्जाम में भी जब रेडियाग्राम आता है तो ज़्यादा चांस ये 6 पोजीशन के ही आने का रहता है। सिक्स पोजिशन बिटवीन F एंड O, F और O के बिटवीन। ये ऑब्जेक्ट है F और O के बीच में, इसको आप थोड़ा ध्यान देंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप को। सबसे पहले एक रे को आप क्या है, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाइए और उस समय आप अपने स्केल को उठाइए मत, सेम टाइम में इसको डॉटेड लाइन से पीछे करिए। क्लियर? इसके बाद एक जो डॉटेड लाइन से मैंने लाइन ड्रा किया है, यहाँ पर आप इमेज को बना दीजिए। सब टेक्निक है बनाने का, इसीलिए मैं स्पेशली इस वीडियो को बनाया हूँ ताकि आपको टेक्निक मैं बता सकूँ कि रे डायग्राम कैसे बनाना चाहिए। तो ये इमेज में पहले से बना दिया, ये इमेज ए डैश बी डैश, लेकिन ये इमेज बना कैसे, अभी तो सिंगल रे है। सेकंड रे को आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाइए और अब आप एक स्केल रखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला के और इसको डॉटेड लाइन करिए और इसको कंप्लीट लाइन करिए इस तरह से। तो क्या क्या हुआ है देखिए, अब इसको मैं समझाऊँ आपको। ये जो ऑप्टिकल सेंटर से होके गया वो सीधा निकल गया और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया वो फोकस से होके चला गया। अब आप देख रहे हैं कि दोनों रेस फैलते हुए जा रहे हैं और दोनों रेस फैलते हुए जा रहे हैं तो दोनों रेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे
तो इमेज तो नहीं बनेगा। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, दोनों रेस को क्या किया, पीछे बढ़ाया यहाँ। तो पीछे बढ़ाने पर दोनों ए डैश बी डैश पर इमेज बना। अब आप देखिए क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है, देखिए इसको एफ और ओ के बीच में ऑब्जेक्ट हो, हाँ ऑब्जेक्ट हो तो टूअर्ड्स ऑब्जेक्ट बनता है इमेज। देखो इमेज ऑब्जेक्ट की तरफ बना है, क्लियर। इनलार्ज बनता है, ये ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बना है। वर्चुअल होता है क्योंकि क्या है, इरेक्ट है, सीधा है, सीधा इसलिए क्या है, वर्चुअल है। तो सिक्स नंबर का जो आपका डायग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इस तरह से मैंने आपको बताया इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन के सिक्स पोजिशन होता है। अब मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ बस, कि इसका प्रैक्टिस करिए खूब। ऐसा नहीं कि मैं फटाफट डाक कर दिया आपको ईजी लगा, जब तक आप प्रैक्टिस करोगे नहीं बनेगा। नाउ नेक्स्ट इज इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव लेंस। उसका एक ही पोजिशन है, तो दो पोजिशन कर सकते हैं लेकिन वो एक ही पोजिशन है, एक ही उसका कोई कंडीशन नहीं है। इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस किस तरह से बनता है, देखिए सबसे पहले हम कॉनकेव लेंस, इसका सिंगल पोजीशन है आपको बता दूं। ये आप कॉनकेव लेंस बनाइए, कॉनकेव लेंस बनाने का तरीका ये है, एक लाइन यहाँ ड्रा कर लीजिए, एक लाइन यहाँ ड्रा कर लीजिए और इसको अंदर की ओर, ये ऐसा, क्लियर। ये आपका कॉनकेव लेंस हो जाएगा। अब इसके सामने ये सपोज ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा, एक रे ऑप्टिकल, आप एक बात देख रहे होंगे कि ऑप्टिकल सेंटर से आपको लेके जाना ही है, सेकंड को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करिए, तो कहाँ से होके जाने, ये इधर डाइवर्ज रहेगा लेकिन हमको आता हुआ लगेगा कहाँ से, फोकस से, ये F1 से। अब यहाँ पर ये जो बना इंटरसेक्शन है, ये इसका इमेज है, ये ए डैश बी डैश इसका इमेज है, ए बी क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, इसकी प्रॉपर्टीज़ ये है, सबसे पहले आप देखिए इस फिगर को, पहली प्रॉपर्टी है इमेज का कि इमेज किधर बनेगा, टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के तरफ बना, पहला प्रॉपर्टी। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट से, ये ऑब्जेक्ट इससे छोटा बना है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसका, ये बनता है वर्चुअल और इसलिए क्या होता है, ये इरेक्ट होता है। ये होता है कॉनकेव लेंस से इमेज फॉर्मेशन, क्लियर। इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस इमेज फॉर्मेशन करते हैं, जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक है। अब इसमें कुछ छोटे छोटे फार्मूले हैं जो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले कुछ फार्मूला का कलेक्शन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको मैं पावर पढ़ा दूँ, पावर ऑफ लेंस। लेंस का पावर क्या होता है, तो पावर ऑफ द लेंस को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं और पी इक्वल टू होता है 1/f इन मीटर, ये है, और इसका यूनिट होता है डायोप्टर, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं डायोप्टर। डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ द लेंस, क्लियर। जब इसको हम फोकल लेंथ को किस में मेजरमेंट करेंगे, मीटर में। आर इसको हम क्या लिख सकते हैं, पावर इक्वल टू 100/f इन सेंटीमीटर, जब क्या हो, यदि फोकल लेंथ को आप सेंटीमीटर में मेजरमेंट करेंगे तो ये होता है। ये पावर का फार्मूला होता है, फर्स्ट फार्मूला। सेकंड इज लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला आप यूज करोगे, लेंस फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, मिरर में प्लस होता है और लेंस में बीच में माइनस होता है, इसको हम कहते हैं लेंस फार्मूला, वेयर f इज फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट, एंड v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, पोल नहीं ना, सॉरी पोल नहीं, ऑप्टिकल सेंटर, पोल बोलते हैं अपन मिरर में। v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर,
तो ये फार्मूला हुआ। एंड थर्ड फार्मूला इज लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन इज एम इक्वल टू आई अपॉन ओ। दैट मीन्स द लेंथ ऑफ इमेज, जैसा मिरर में होता है, द लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और दैट इज ऑल्सो इक्वल टू वी अपॉन यू। साइन कन्वेंशन हम कंडीशन के हिसाब से लगाते जाते हैं, जो हमने कहीं साइन कन्वेंशन आपको सिखाया ही है। तो होता है पावर ऑफ लेंस, ये लेंस फार्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन। और फोर्थ फार्मूला आपको बता दूं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। सपोज हम टू आर मोर देन टू लेंस को कंबाइन करते हैं इस तरह से। सपोज ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसके बाद और कॉन्वेक्स लेंस, सपोज और कॉन्वेक्स लेंस, ऐसे हम सपोज बहुत से लेंस को क्या करते हैं, या कॉनकेव लेंस को कंबाइन करते हैं। और इनका फोकल लेंथ क्या है, इसका सपोज एफ वन है, इसका एफ टू है, इसका एफ थ्री है, तो इसका कंबाइन फोकस वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू प्लस वन अपॉन एफ थ्री एंड सो ऑन। ऐसा होता है, जितना भी लेंस आप यूज़ करेंगे, सपोज टू लेंस यूज़ करेंगे तो टू लेंस यूज़ करेंगे तो उसका कंबाइन फोकस ये टू लेंस है निकल जाएगा। यदि हम इसको पावर के फॉर्म में लिख दें इस फार्मूला को, तो पावर इक्वल टू वन अपॉन एफ होता है, तो पावर के फॉर्म में क्या आएगा, पी इक्वल टू पी वन प्लस पी टू प्लस एंड सो ऑन। इससे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके चैप्टर में, आपके क्लास के सिलेबस में ये फोर फार्मूला मैंने बताया, ये न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप हायर क्लास में इसका डिटेल आप पढ़ोगे, क्लियर। तो ये पावर ऑफ द लेंस, लेंस फार्मूला, लीनियर मैग्निफिकेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का मेरा जो सेशन था वो कम्प्लीटली स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन और उसके रे डायग्राम बनाने पर बेस्ड था। मेरा आपको लास्ट सजेशन यही है कि इस चैप्टर को आपको कमांड करना है तो एक ही आपके पास तरीका है, वो है प्रैक्टिस ऑफ द फिगर। आप फिगर बनाने की फॉर्मेशन, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन के फिगर बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपका कमांड हो पाएगा। ओके, थैंक यू।